जय श्री राम। तो मैं आपको दिखाऊं उसका बेवकूफ ना भी देखना। ये देखो, देख रहे हो, इसके पास ना हेलमेट है ना और है घोड़ के। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो अपन आज जा रहे हैं गांव से बीकानेर। तो ये लमसम 170 किलोमीटर के लमसम होना चाहिए। तो मैं और मेरी अपाची लेके निकल गए हैं। तो मम्मी को घर को टाटा बाय बोल के हम निकलेंगे अभी। तो देखो मम्मी आ रही है आराम से बातें करते करते, कोई परवाह नहीं है कि यार उसका बेटा देखो किधर निकल रहा है। और गाँव की लाइफ यार ऐसी होती है गाइस, तो ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। तो हम निकल चुके हैं अपने घर से, टाटा बाय बाय, जय श्री राम का नाम लेके बालाजिस्ट है। तो अब गेट खोलने के लिए भाई इसका वेट करना पड़ेगा। ये भी धीरे 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 चल रहा है यार, क्या करें, इसका भी अब इंतज़ार तो करना पड़ेगा गाइस। तो फाइनली हम गेट खोल के निकल चुके हैं गाइस। तो गाइस हम निकल चुके हैं अपने घर से बीकानेर की ओर। बाइक में पेट्रोल नहीं है थोड़ा भी, तो मज़ा आएगा। यदि ख़त्म हो गया रास्ते में, और पेट्रोल पंप यहाँ से लमसम होगा मेरे हिसाब से 7-8 की ओर। ये हमारे गांव की रही नेशनल हाईवे, यार नेशनल है कि स्टेट है कौन सी है तो सही, लेकिन हम निकल चुके हैं गाइस। अब इसमें पेट्रोल ख़त्म हुआ तो भगवान जाने क्या होगा, गांव से ही किसी को बुलाना पड़ेगा। लेकिन ये है, पहुंच जाऊंगा, ये कंफर्म है। बाकी गाइस अभी मैं 2-3 दिन गांव में रहा, अच्छा सीन है यार, लेकिन थोड़ा बारिश की वजह से क्या ना यहाँ का मौसम ऐसे ही हो चुका है, गर्मी भी है और क्या बताऊँ यार। धान मतलब जो हमारा ये यहाँ पे जो धान पानी होता है ना अपन, यार मैं एक तो राजस्थानी हूँ फिर वो भी नागौर से, तो क्या ये चीज़ें मेरे को ज़्यादा महसूस होती है। और भाई साहब जो आपको आगे दिख रहे हैं, जो जानवर ले जा रहे हैं हमारे गाँव वासी, देख रहे हैं हाईवे पे, बस थोड़ी बारिश हो जाएगी ना यार, बढ़िया अनाज हो जाएगा सब लोगों के, गांव में मज़े हो जाएंगे, वरना तो यार थोड़ी सी दिक्कत। और गाइस यार एक बात और, जब कभी भी गाड़ी चलाओ ना, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई ब्लॉगर हो या अपने कोई भी, जैसे अपने कोई पर्सनल वर्क के लिए ऑफिस जा रहा हो, कहीं घूमने जा रहा हो अपनी फैमिली के साथ, तो यार कभी भी निकलो ना भगवान का नाम लेके निकला करो यार। कुछ पता नहीं चलता आजकल ज़िंदगी की यार, हमारी लाइफ में तो वैसे भी पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और यार हम दिख भी गया, मौज काट दी भाई, मौज काट दी मौज। गाइस यार एक तो मैं घबरा भी ज़्यादा जाता हूँ रह कुन चीज़ों को देख के। और पेट्रोल पंप से तेल भरा के अपन वापस आएंगे इधर ही इसी रूट पे, पहले भरवाएंगे अपन तेल। तो गाइस तेल हो गया है, भाई देख रहे हो कैसे कैसे क्रॉस करना पड़ रहा है, बहुत मुश्किल से क्रॉस हो रहा है गायों के बीच में। लेकिन यार देखो मैं किसी गाय माता को परेशान नहीं कर सकता, गाय हमारी माता है, हम हिंदू है, और गाय माता को प्रॉब्लम मान ही नहीं दे सकते।
समझ रहे हो। तो कोई भाई सोच मत लेना, गाय माता को भरोसा हम देते। देख रहे हो नाम जसवंतगढ़ आपको दिख गया, ये रहा अंग्रेजी शराब का ठेका ठेका। कभी कभी तो ये समझ नहीं आता ये नाम रखने वालों ने ठेका, ये नाम मतलब क्या सोच के रखे थे यार, पता नहीं। और गाइस कितनी सी क्या थोड़ी सी दिखेगी आपको, बस उतनी ये सिटी है, बाकी पूरा गांव की तरह माहौल है इधर। ध्यान नहीं देना लोगों पर, लोगों की मैं क्या बौखला जाता हूँ यार, मेरा मन नहीं करता फिर ज़्यादा कुछ कुछ भी करने का, तो फिर मैं वो चीज़ नहीं कर पाता जो मेरे को करनी होती है। तो किसी पे बिना ध्यान दिए अपन वो काम करेंगे। देख रहे हो ये ऐसी सिटी है, भीड़ देख रहे हो। कहाँ है भीड़, झूठ देख रहे हो, भीड़ यहाँ होती तो बात ही क्या थी, यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है गाइस, यहाँ है ब्रेकर। ये देख लो सिटी खत्म हो गई, इधर से दूसरा वे स्टार्ट हो गया। यार यहाँ तो भीड़ है 5-10 लोगों की, अब है किस चीज़ को तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन है। चलो गाइस कोई नहीं आ रहा है, कट्टी मार लेते हैं। और फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं इस मोहमाया जाल से। ये सामने दिख रहा है सुजानगढ़ सिटी, और अभी ये रोड आ गई है बढ़िया वाली, बीकानेर एक्सप्रेस हाईवे, इस पे ही हम चलेंगे मतलब 150 किलोमीटर का लमसम अभी हम चलेंगे इस रोड पे। तो ठीक है गाइस, कोई बढ़िया सिटी आती रहेगी हम आपको इतला करते रहेंगे। इतला, फाटक बंद ना हो, फाटक बंद नहीं है, और फाटक को करेंगे अभी हम क्रॉस। तो फाटक बंद नहीं है, इतनी खुशी है, वरना गाइस पता नहीं कितने टाइम यहाँ 10-15 मिनट तो खराब करना ही पड़ जाता, क्योंकि ये लोग कितने आलसी होते हैं ना, ट्रेन आने के मतलब ट्रेन आने में टाइम होता है, फिर भी ये लोग मतलब इसको बंद करके अंदर जाके सो जाते हैं, पूरी एक नींद लेते हैं फिर फटक आके खोलते हैं। इनको पता है ग्रामीण एरिया है, बोलने वाला कोई है नहीं। 10-10-15 देख लो गाइस, राजस्थान का लुक हाईवे से इकरार हुआ, हमें भी प्यार हुआ, इंतजार की घड़ी अब गाइस तेरे गाना आता है लेकिन इतना भी नहीं आता, तो गुनगुना लेते हैं कुछ स्वर। और वो देख रहे हो डूंगरी वाले बाबा जी का मंदिर है वहाँ पे ऊपर, बड़े मतलब राजस्थान में 10 किलोमीटर पे आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। कि ज़्यादा नहीं लेकिन उधर से 2 गाड़ियाँ आ रही है, कुछ कह नहीं सकते। ये सिंगल रोड है, मैं सिंगल रोड पे ही चलना पड़ेगा। मैं गांव में झीलों से बोलूं, आके तू सुनना
बढ़िया। अब इधर बन रही है रोड और ये ऑफ रोडिंग होने वाली है, हमारे लिए बहुत खतरनाक। ये ऑफ रोडिंग थोड़ी है यार, ये तो ऐसे कच्चा है। कच्चा कहाँ है, पक्का, पक्के पे कच्चा, जिसमें कच्चा है मात्र 2%। और ये देखो गौ माता कोई ले जा रहा है अपने घर पालने के लिए, पेट्रोल पंप का कर दिया रास्ता इन्होंने बंद। घुसा दोगे इस कच्चे में? घुसाऊंगा गाइस, ऑप्शन ही नहीं है। हमसे चालाकी कर दिया, देख रहे निकाल लाए ना अपन, लेकिन फिर हम चालाकी कर रहे हैं इस वाले रेत से जो इतनी स्लिप होती है ना, पूछो मत। देखो पीछे से ना गाड़ी का ब्रेक लगा रहा हूँ ना, तो मतलब पीछे से हवा में ऐसा, क्या अब क्या बोल रहे हैं पता नहीं यार। एक तो लैंग्वेज इतना फर्क है, फिर लोग फिर कहते हैं लोग क्या बोलते हैं कि यार वीडियो इसलिए नहीं चलते हैं क्योंकि आप राजस्थानी बोलते हो तो आपका राजस्थानी में ही चलेगा। यार पंजाब वाले गाना गाते हैं क्या, पूरा ऑल ओवर इंडिया गाना देखता है, फिर राजस्थानी में क्या यार, देखोगे सीखोगे तभी तो। वो बिना हेलमेट के इतनी स्पीड से गाड़ी लेके आ रहा है ना, पूछो मत। अब उसे ये नहीं पता कि मैं तो कितनी सेफ्टी में चल रहा हूँ, मैंने सारा सब कुछ लगा रखा है, वो बिना सेफ्टी के चल रहा है। मेरे पास पता है गाड़ी एक तो थोड़ी पावर तो है ना, वो HF डिलेक्स पे है, उसे नहीं पता कि कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। पता ऐसे यार, ऐसे किसी की होड़ मत किया करो यार, लाइफ में कुछ भी करो यार, बाइक चलाओ गाड़ी चलाओ, लेकिन एक तो होड़ करते हैं ना अपन किसी से कि इससे आगे मैं निकाल लूँ, इसको क्रॉस में कर लूँ, ऐसे ही बेवकूफ़ों वाली होड़ मत किया करो। और पता है ना गाइस यार, बहुत मेहनत लगती है एक माँ को अपना बच्चा पोल क्या बोल पालने में पोसने में, और हम लोग क्या किसी की होड़ के चक्कर में अपनी लाइफ ही ख़राब कर लेते हैं। मैं बाइक चलाता हूँ, बहुत चलाता हूँ, लेकिन मैं कभी किसी की होड़ नहीं करता। मेरे को कोई मतलब नहीं कि कोई मेरे से कितना आगे जा रहा है, बस कोई ज़िंदगी की दौड़ में आगे नहीं जाना चाहिए। ये है आज का आपका सुविचार, बस कुछ भी करो कोई ज़िंदगी की दौड़ में आगे ना जाए। एक भी है और वो चलती भी कितनी ज़्यादा है, ठीक है तो मैं आपको दिखाऊँ उसका बेवकूफ़ होना, अभी देखना। ये देखो, देख रहे हो इसके पास ना हेलमेट है ना और है। होड़ के चक्कर में अभी ये नहीं पता कि बाइक थोड़ा भी इधर उधर हुई ना तो अपना हाल क्या होगा। तो गाइस जिसके घर वाले यदि देख रहे हैं ना, तो भाई साहब को हेलमेट देके ही घर से रवाना करो। और गाइस देखो किसी को भी एतराज हो ना अपन को बता देना, लेकिन बिना हेलमेट के या लापरवाही से आप कुछ भी चला रहे हो ना तो भाई, और वीडियो में आए तो ज़रूर दिखाएंगे। तो काशीपुर बालाजी से पहले जो गाँव था ना डूगर, गाली निकालने का भी मन करता है लेकिन गाली भी नहीं निकाल सकते किसी को भी। अपने सामने वाली रोड जा रही है कहाँ पे, आपको पता है नोखा, और ये रोड जा रही है डूंगरगढ़ से बीकानेर, वो नोखा टू बीकानेर है। और ये वाली रोड जो अपनी ये डूंगरगढ़ से सीधा बीकानेर जाती है, ये अपनी ज़्यादा पास पड़ती है। जितने में हम बीकानेर पहुँचेंगे ना उतने में वो रोड हमें कहाँ छोड़ेगी आपको पता है, वो रोड हमें छोड़ेगी क्या बोलते हैं नोखा।
अपन बहुत ही स्मार्ट है। अपन पता क्या करेंगे, अपन थोड़ा एक्स्ट्रा भाग के जाएंगे। ये लो थोड़ा सा ये फायदा अपन को भी हो गया। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं अपने घर। और यार देखो यार, एक गलती हो गई, मैंने फ़ोन में मैं ब्लॉगिंग करता हूं तो किसी का फ़ोन आ गया, और आपको पता है फ़ोन आते ही वहां से वीडियो हट जाता है। बीकानेर में जो भी पहुँच वहां पे जो बात वो तो हट गई। जय श्री राम। जय श्री राम। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरा वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।